आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा में शराब तस्करों ने बहुगंज की शराब दुकान में धावा बोलते हुए जमकर पत्थरबाजी व वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। शराब दुकान में पहुंचे तस्करों ने पहले तो पत्थरबाजी की, जिसके बाद दुकान में अनलोड करने पहुंचे शराब से लोड वाहन में जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना रात तकरीबन 11 बजे मऊगंज शराब दुकान की है। मामले में दुकान के सेल्समैन प्रिंस सिंह ने मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि शराब दुकान में हमला करने वाले शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे हैं, जिनकी हाल ही में रायपुर करचुलियान पुलिस द्वारा शराब पकड़ी गई थी। मऊगंज पुलिस ने मामले में अशोक चौरसिया व अर्जुन मुरहा सहित अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मऊगंज शराब दुकान में सोमवार की रात हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक शराब दुकान में पत्थरबाजी व वाहनों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। घटना के संबंध में शराब दुकान के सेल्समैन प्रिंस सिंह ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया है कि रात तकरीबन 11 बजे अशोक चौरसिया व अर्जुन मुरहा आधा दर्जन साथियों के साथ दुकान पहुंचा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के दौरान आरोपियों ने दुकान के बाहर अनलोडिंग के लिए खड़े शराब से लोड वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि आरोपी शहर की एक शराब दुकान में काम करते हैं, जिनके द्वारा रीवा से मऊगंज में शराब की तस्करी की जाती है। हाल ही में रायपुर करचुलियान पुलिस द्वारा आरोपियों द्वारा मऊगंज लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा गया था। इस मामले में यह आरोपी फरार है। आरोपियों को शंका है कि शराब पकड़वाने के पीछे मऊगंज शराब दुकान के ठेकेदार का हाथ है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मऊगंज पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और उनकी तलाश की जा रही है।